एक गैंग जिसकी इंटरनेशनल साजिश ने राजस्थान को जलाने की कोशिश की, ये गैंग और कोई नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के चीफ सुखदेव सिंह गोगामेणी की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जिसके पीछे गैंग्स ऑफ लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया गया। इस हत्याकांड में दो शूटर्स की तलाश हो रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक शूटर सेना का जवान है, और सवाल है कि गैंग्स ऑफ लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट अब कौन है। मर्डर, एक गैंग, 1000 शूटर, कनाडा से पंजाब और अमेरिका से राजस्थान तक फोन कॉल, ताबड़तोड़ गोलियां, गुस्से में लाखों लोग, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के चीफ सुखदेव सिंह गोगामेडी के मर्डर ने पूरे राजस्थान में तनाव पैदा कर दिया है। गोगामेडी के मर्डर में ऐसे लिंक मिले हैं जिसने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी पर गोली चलाने वाले दो हमलावरों की पहचान हो गई है। इनमें एक फौजी है। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। दोनों के लिंक अब एक बड़े गैंग से मिले हैं। जयपुर से लेकर दिल्ली तक और तिहार से लेकर पंजाब की जेलों तक अब सिर्फ एक नाम पर पहरा बैठ गया है। ये नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। वही लॉरेंस बिश्नोई जिसने सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी ली, और अब यही गैंग राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के चीफ सुखदेव सिंह गोगामेडी के मर्डर के पीछे है। इसका शक 100% है। सुखदेव सिंह गोगामेडी मर्डर केस की जांच एनआईए के दायरे में पहुंच गई है, और एनआईए किसी भी वक्त जांच अपने हाथ में ले सकती है। मामला इतना गंभीर है कि पूरा राजस्थान आग बबूला है। पूरा राजस्थान गुस्से से उबल रहा है। अब इस केस में लॉरेंस बिश्नोई के शूटर सामने आने के बाद खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि अब ये गैंग पॉलिटिकल हस्तियों से लेकर बॉलीवुड सितारों की जान लेना चाहता है। ये बात साबित हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पूरा कच्चा चिट्ठा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। लॉरेंस बिश्नोई ये गैंग चलाता है। उसके नीचे है गोल्डी बरार, जो इस वक्त अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता है। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, ये भी अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता है। तीसरा बड़ा नाम है नरेश शेट्टी, जो इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। चौथा बड़ा नाम है संपत नेहरा, ये पंजाब की बठिंडा जेल में बंद है। पांचवा है संदीप उर्फ काला जठेड़ी, वो भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। जबकि छठा है रोहित गुदारा, जिसका ठिकाना अमेरिका में बताया जा रहा है। तो ये है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा पोस्टर। अब सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कैसे सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी के मर्डर में शामिल है। कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग पूरे उत्तर भारत में राजनीतिक हस्तियों को मौत के घाट उतार रहा है। राजस्थान में फिल्मी स्टाइल में हत्याकांड हुआ। राजस्थान के बहुत बड़े राजपूत नेता के साथ हमलावरों ने पहले चाय पी और फिर अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हत्याकांड के फौरन बाद खबर ये आई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कत्ल की जिम्मेदारी ले ली है, और इसलिए इस पूरे हत्याकांड पर लॉरेंस बिश्नोई की छाप पड़ गई। इस मर्डर में दो नाम सामने आए हैं, एक है रोहित राठौर और दूसरा है नितिन फौजी। ये दोनों रोहित गोदारा के लिए काम करते हैं। फिर देखिए, सबसे ऊपर लॉरेंस बिश्नोई, उसके नीचे दो बड़े क्रिमिनल जिनका इस केस में नाम आया है। एक है संपत नेहरा, जो पंजाब की बठिंडा जेल में बंद है, और दूसरा है रोहित गोदारा, जिसका ठिकाना अमेरिका में बताया जा रहा है। अब नितिन फौजी रोहित गोदारा के लिए काम करता है, यानी पूरा कनेक्शन साफ है। मामला गंभीर है, इसलिए पूरे केस में एनआईए का दखल शुरू हो चुका है। जिस तरह से राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के चीफ सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी को गोलियों से भूना गया और फिर कातिलों को भागते हुए दुनिया ने देखा,
उससे राजस्थान बहुत ज्यादा गुस्से में। राजस्थान के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरे। कातिलों की गिरफ्तारी से लेकर इस मर्डर केस की तह तक जाने की बात हो रही है। करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के मामले में NIA एक्टिव हो गई है और NIA का इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करना ये साबित करता है कि लॉरेंस बिश्नोई कितना बड़ा खतरा बन चुका है। जिसने मर्डर किया वो भी स्क्रीन पर, जब वो फरार हुआ तब भी वो स्क्रीन पर। हत्यारों में एक नाम है नितिन फौजी। सब पूछ रहे हैं कि कौन है नितिन फौजी, तो जवाब है कि नितिन फौजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है और वो भारतीय सेना का जवान है, जबकि दूसरा है रोहित राठौर जो राजस्थान के ही नागौर का रहने वाला है। लेकिन इन दोनों शूटरों में से एक सैनिक का शामिल होना इस पूरे हत्याकांड को और खतरनाक बना देता है। एक फौजी के इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में शामिल होने की खबर बहुत हैरान करने वाली है। पूरा राजस्थान ही नहीं, अब देश के हर कोने से ये बात उठ रही है कि इस हत्याकांड में एक फौजी कैसे शामिल हो गया। नितिन फौजी 4 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था, उसकी तैनाती राजस्थान के अलवर में थी। नवंबर में वो छुट्टी पर घर गया था। 9 नवंबर के बाद वो वापस घर नहीं लौटा, घर से गायब हो गया था। और अब सुखदेव सिंह मर्डर केस में उसका चेहरा पूरी दुनिया ने देखा। सबसे हैरानी की बात यह है कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी पर हमला होगा, इसके इनपुट 2023 की शुरुआत से ही मिलने लगे थे। करणी सेना के मुखिया को मारा जाएगा, इसकी टोक फरवरी में ही मिल गई थी। पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को इस बारे में फरवरी में ही अलर्ट कर दिया था। बात साफ है कि गोगा मेढी की जान को खतरा है, ये बात 10 महीनों से पुलिस के बीच वायरल थी, लेकिन सब कुछ जाहिर होने के बावजूद कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। पंजाब में पूरा कनेक्शन बठिंडा जेल से मिलता है। बठिंडा जेल के अंदर बंद लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर संपत नेहरा ने इस साजिश को अंजाम दिया। संपत नेहरा की ओर से ही AK-47 का इंतजाम करने की जानकारी दी गई थी। सुखदेव सिंह गोगा मेढी को मारा जाएगा, इस बारे में पंजाब के स्पेशल DG ने राजस्थान के DGP को लिखित रूप में जानकारी दी। इस बारे में ATS DIG ने ADG इंटेलिजेंस को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन मर्डर को कोई नहीं रोक पाया। For your information, इसी गैंग के सचिन बिश्नोई जिसको कि रिसेंटली अजरबैजान से लेकर आया गया, वो भी इंफॉर्मेशन AGTF की इंफॉर्मेशन शेयर करी गई थी सेंट्रल एजेंसी से, नल इस पे कार्रवाई करते हुए और दूजे राजा दूजे कंट्रीज नाल सेंट्रल एजेंसी वो लोग कोऑर्डिनेट करके वापस लाया गया। पंजाब पुलिस का दावा साफ है कि फरवरी में प्लानिंग शुरू हुई और दिसंबर में हत्या को अंजाम दिया गया। 10 महीने तक पुलिस और जांच एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को फरवरी में ही चिट्ठी लिख दी थी, लेकिन 10 महीनों बाद दिसंबर में सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या कर दी गई और कोई कुछ नहीं कर सका। बड़ी बात यह है कि सुखदेव सिंह गोगा मेढी को सुरक्षा की जरूरत थी, लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई। यही वजह है कि पंजाब से लेकर राजस्थान और दिल्ली तक राजनीति शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय खुद अशोक गहलोत के पास था, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे व्यक्ति को जानबूझ के मरवा दिया। राजस्थान में जो कांग्रेस शासन में कानून व्यवस्था लचर हुई थी, उसका ये परिणाम है। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर खौफ ऐसा है कि पंजाब पुलिस दिन रात उसी के नेक्सस को तोड़ने का काम कर रही है। केंद्र और राज्य की एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में अब तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 70 के करीब गुर्गों और शूटरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 का तो एनकाउंटर भी हो चुका है। लॉरेंस गैंग से जुड़े कई लोग लगातार पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इस गैंग का आतंक फिर भी खत्म नहीं हो रहा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल भी एक्टिव हो चुका है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की जब से हत्या हुई है, दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल गैंगस्टरों के गुर्गों की कुंडलियां खंगालने में जुट गया है। लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके गैंग के अलावा 1000 शूटर हैं जिनका रिकॉर्ड फिर से खंगाला जाएगा।